प्रकाश अंबेडकर की बीजेपी शिंदे गुट से बढ़ रही है नजदीकियां, जाने अचानक क्यों उठने लगे ये सवाल। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर हाल के दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कई बार मिल चुके हैं। साथ ही कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रकाश अंबेडकर की तारीफ करते हुए कहा था, बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर कभी कभी अच्छी सलाह देते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अंबेडकर की सलाह पर प्रतिक्रिया दी। प्रकाश अंबेडकर को लेकर क्यों होने लगी ये चर्चा? इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी की बीजेपी शिंदे गुट से बढ़ती नजदीकियों की चर्चा आकार लेने लगी है। मूल रूप से कुछ महीने पहले ही वंचित ने शिवसेना के ठाकरे गुट के साथ गठबंधन किया है, इसीलिए उनके राजनीतिक विरोध सवाल उठा रहे हैं कि अंबेडकर किस तरफ है। प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान। इसी बीच प्रकाश अंबेडकर ने आज एक बड़ा बयान दिया है। TV9 मराठी से बात करते हुए अंबेडकर से फडणवीस की प्रशंसा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात के बारे में सवाल किया गया। अंबेडकर ने कहा, वह मुख्यमंत्री हैं और अगर हमें जनता का काम करना है तो हमें मुख्यमंत्री से मिलना होगा। सीएम शिंदे से मुलाकात पर क्या बोले वंचित के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हमने हॉल में एकनाथ शिंदे को बताया, आप बाहर आइए, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के साथ बैठना मुश्किल है, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। रामदास अठावले के ऑफर पर क्या बोले प्रकाश अंबेडकर? केंद्रीय मंत्री और RPI अध्यक्ष रामदास अठावले ने वंचित बहुजन अघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। रामदास अठावले ने ऑफर देते हुए कहा था, प्रकाश अंबेडकर को इधर उधर नहीं भटकना चाहिए।